विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं आज आपको कंपोजिशन बनाने के लिए किस तरह लेआउट तैयार करते हैं और लेआउट में किस तरह कलर करते हैं और लेआउट के माध्यम से उसको इनलार्ज करते हुए किस तरह अच्छा कंपोजिशन बनाएंगे, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, कंपोजिशन का लेआउट बनाने के लिए आप सबसे पहले इस तरह स्केच फाइल लीजिए। आप स्केच फाइल को देखिए ध्यान से। इस तरह की स्केच फाइल पर आप अपनी इच्छा के अनुसार कंपोजिशन का रेखांकन कीजिए। विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि आपको किस विषय पर कंपोजिशन बनाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको विषय अनुकूल प्रश्न पत्र दिया जाएगा और उसी के अनुकूल आपको कंपोजिशन बनाना है। तो विद्यार्थियों, स्टडी के रूप में आप फाइल पर विभिन्न विषयों को लेकर आप रेखांकन कर सकते हो, उनका लेआउट तैयार कीजिए आप, और लेआउट के माध्यम से आप उसको इनलार्ज कीजिए और शीट पे तैयार कीजिए। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, आप शीट के साथ साथ कैनवास पर भी पेंटिंग बना सकते हो और अपनी इच्छा के अनुसार आप हार्ड बोर्ड या साइन बोर्ड या दीवार पर किसी भी धरातल पर आप अच्छी पेंटिंग बना सकते हो। तो विद्यार्थियों, अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए आपको कंपोजिशन का गहन अध्ययन करना नितांत आवश्यक है और इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज कंपोजिशन का लेआउट किस तरह बनाते हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं।
विद्यार्थियों, आप ये लेआउट देखिए, किस तरह मैंने ऑयल पेस्टल कलर से लेआउट तैयार किया है। विद्यार्थियों, लेआउट बनाने के लिए आपको शीट पर पहले रेखांकन करना है। आप किस विषय पर कंपोजिशन बनाने जा रहे हो या किस विषय को लेकर आप आकृति बनाने जा रहे हो, ये विचार आपको पहले अपने मन में रखना है। जब तक आप किसी विषयानुकूल विचारधारा के तहत रेखांकन नहीं करोगे, तब तक आप अच्छा लेआउट या कंपोजिशन नहीं बना पाओगे। तो विद्यार्थी, मैंने ये ग्रामीण परिवेश को लेकर एक सिंपल आकृति बनाई, आप इसको देखिए। इसका मैंने पहले रेखांकन किया था, उसके बाद मैंने पेस्टल कलर से इसमें कलर किया है, विभिन्न प्रकार के टेक्सचर दिए इसमें। तो कलाकार साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो लेआउट बनाओगे, उस लेआउट को आप कंप्लीट कंपोजिशन मत समझिए। आप जब शीट पर या कैनवास पर इसको इनलार्ज करोगे, इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो, टेक्सचर में परिवर्तन कर सकते हो, रंगों में परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन लेआउट बनाने से आपको ये अनुभव हो जाएगा कि शीट पर हमको किस तरह का कंपोजिशन बनाना है। तो आप घर पर पेस्टल कलर लीजिए, आप इसके अलावा सॉफ्ट पेस्टल से भी बना सकते हो, आप वाटर कलर के माध्यम से भी आप लेआउट तैयार कर सकते हो, और विभिन्न प्रकार के लेआउट तैयार करके आप एक अच्छा कंपोजिशन बना सकते हो। तो विद्यार्थियों, कंपोजिशन के बारे में मैंने लेआउट के माध्यम से जो आपको जानकारी दी, आशा करता हूं आप उससे लाभान्वित होंगे। और COVID-19 के तहत आप घर पर रहकर कला की स्टडी कीजिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।